स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज की लिखी ये कविता, जिनके लिखे शब्दों में कुछ इस तरह का जादू रहा कि लोग आज भी उनके लिखे गानों को बड़े चाव से गुनगुनाते हैं। 60 के दशक में इनकी लिखी कविताओं ने धूम मचा रखी थी। इनकी कविता गुबार देखते रहे बहुत मशहूर हुई, जिससे प्रभावित होकर फिल्मकार आर चंद्रा खुद इनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने गोपाल दास जी को फिल्मों के लिए लिखने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी लिखी कविताओं को फिल्मी गानों में इस्तेमाल करना हो तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। 1966 में आर चंद्रा की नई उम्र की नई फसल नाम की फिल्म में नीरज की लिखी 8 रचनाओं को शामिल किया गया, जिसमें रफी की आवाज में कारवां गुजर गया को वो लोकप्रियता हासिल हुई कि फिर ये कारवां आगे बढ़ता गया। सत्तर के दशक में इनके लिखे एक से बढ़कर एक गाने आए जो सुपरहिट हुए, ए भाई जरा देख के चलो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब, रंगीला रे, फूलों के रंग से जैसे गानों से इनकी फिल्मी दुनिया में तूती बोलती थी। इनकी जोड़ी एसडी बर्मन के साथ खूब जमी, ये सचिन देव बर्मन को अपनी आत्मा मानते थे। इनका फिल्मी सफर भले ही 5 साल का रहा हो, लेकिन इनके लिखे अमर गीत आज भी दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित गोपाल दास नीरज को पाइनोमिथेरस रोग था, उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी। 93 साल की उम्र में इस महान कवि और गीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।